गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब? आज हमारा साइंस का डे नंबर 5 है, साइंस की क्लास का डे नंबर 5 है। डे 4 में हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स का थर्ड टाइप प्रोटीन्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स का नेक्स्ट टाइप, मतलब फोर्थ टाइप्स, विटामिन्स। आइए देखते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। स्क्रीन पर देखिए, विटामिन्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स जो हैं हम उन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़। ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज़ से, एंड कीप्स अस टू स्टे हेल्दी, और हमें हेल्प करते हैं हेल्दी रहने में। तो विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। ये प्रोटेक्टिव फूड है, एंड दे कीप्स प्रोटेक्ट फ्रॉम अवर फ्रॉम डिसीज़। ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिसीज़ से, और क्या करते हैं, हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन्स जो है हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। दे हेल्प इन बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। ये क्या करते हैं, हमारे बोन्स हैं, टीथ हैं, गम्स हैं, उनको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स प्रोटेक्टिव फूड है, डिसीज से बचा रहे हैं, हमें हेल्दी रख रहे हैं। तो हमारे ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिसीज से बचाएंगे, बीमारियां होने से बचाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन्स टू टाइप्स के हैं, एक तो है फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, जो विटामिन्स किस में डिजोल्व होते हैं, फैट्स में या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिजोल्व होते हैं, उनको हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। और जो विटामिन्स डिजोल्व होते हैं किस में, वाटर में, उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो कौन कौन से विटामिन्स हैं, आगे उनके फर्दर टाइप्स हैं। देर आर फोर टाइप्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ये चारों टाइप्स किसके हैं, फैट सोल्यूबल के हैं। और विटामिन उसके वाटर सोल्यूबल के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो हमने अब तक पढ़ा है विटामिन क्या होते हैं और इनके टाइप्स। विटामिन होते हैं प्रोटेक्टिव फूड, हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज से, और इसके टाइप्स में हमने क्या देखा है, दो तरह के टाइप्स है, कौन कौन से हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। जो फैट्स में सोल्यूबल होंगे उनको फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं, मतलब उसमें घुल जाएंगे अच्छे से। विटामिन ए डी ई के जो है फैट सोल्यूबल है, और विटामिन जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो वाटर में अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे, घुल जाएंगे, उनको हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। हमारा विटामिन का नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ विटामिन, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जो हम लेते हैं और जिससे हमारी विटामिन की क्या है, कमी पूरी होती है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, अब हम वो देखेंगे। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इन चार सोर्सेज, इन चार विटामिन के हम क्या है सोर्सेज देखेंगे, जो क्या है फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए कौन कौन किस किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, इसमें आता है पोटैटो, आलू में प्रेजेंट होता है, कैरेट, गाजर में प्रेजेंट होता है, पम्पकिन, स्पाइनज, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है। इसके बाद है विटामिन डी, अब अपने उसमें फाइल्स में देखिए विटामिन डी में क्या प्रेजेंट होता है, 45 मिल्क में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। ठीक है, 45 मिल्क कौन सा मिल्क होता है, जो गाय का दूध होता है, उसमें क्या है एक्स्ट्रा विटामिन प्रेजेंट होते हैं। एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देखते रहिए, जो जो है वो भी बहुत स्क्रीन पर आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे पनीर हो गया, चीज़ हो गया, चीज़ पनीर, बटर, घी, ये सारे क्या है डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें भी क्या है विटामिन डी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन ई, विटामिन ई किस किस में प्रेजेंट होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, जिन जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है, सीड्स एंड नट्स, बीजों में प्रेजेंट होता है और नट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा विटामिन, विटामिन ई। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन के, वो किस में प्रेजेंट होता है, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में। विटामिन डी प्रेजेंट, विटामिन के प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या आते हैं, जैसे शलगम वगैरह, टर्निप वगैरह होते हैं, ये विटामिन के में आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये सारे थे सोर्सेज ऑफ विटामिन, विटामिन के सोर्सेज थे। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये विटामिन ना लें तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन सी डिसीज़ है जो हमें विटामिन की कमी से हो जाती हैं। फर्स्ट है हमारा विटामिन ए, विटामिन ए है, ये हमारा क्या है,
इससे कौन कौन सी डिसीज हो जाती है, डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी है विटामिन ए की, लॉस ऑफ विजन, हमें क्या है देखने में दिक्कत आती है, कभी कभी तो क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, हम अंधे हो जाते हैं या फिर हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, हमें देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, अच्छे से दिखाई ना देना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में हम देख नहीं पाते, एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी तो क्या होता है कि हमें बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। हमारी नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो क्या है, स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी डिसीज है, और इसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें विटामिन सी की कमी हो रही है या फिर हमें स्कर्वी हो चुकी है, डिसऑर्डर हो चुका है, ब्लीडिंग गम्स, हमारे क्या है मसूड़ों में से क्या होगा खून आना शुरू हो जाएगा, जो हमारे गम्स हैं उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और अगर हमारे कोई भी चोट वगैरह लग जाएगी तो वो क्या होगा बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगी हील होने में, ठीक होने में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी में हमें कौन सी डिसीज होती है अगर विटामिन डी की कमी आ जाती है, हमें कौन सी डिसीज होती है, रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, और जो हमारी हड्डियां हैं वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और बेंट हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, ठीक है। वैसे तो हमारी बोन्स है वो काफ़ी हार्ड है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होने के कारण क्या होगा, हमारी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी या वीक हो जाएंगी और बेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा है, सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हम लेते हैं एज ए न्यूट्रिएंट, और विटामिन से कौन कौन सी डिसीज होती है, और उसके सिम्टम्स पड़े हैं। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, फिर नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। JIMS।